जी पीकी जब बैनर्जी जी के आप यहाँ घर पे आए हो आज, क्या कुछ खास है? हमारा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पिंकी पारस जी से मेरा कम से कम काफ़ी पुरानी दोस्ती है और हमने कुछ गाने भी साथ में किए हैं। और जब मुझे पता चला पिंकी जी आ रही हैं, और मैं इसको बड़ी खुशी मानता हूँ कि पिंकी पारस जी ने मुझे टाइम दिया और ये मेरी दावत कबूल की, क्योंकि ऑलरेडी इनका शो है नागपुर में ताजबाग में 29 तारीख को, और आपने पिंकी जी के बहुत सारे गाने सुने होंगे, जिसमें से मैं एक गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो फीमेल वर्जन में इन्होंने गाया था, जो इतना बड़ा ऑलरेडी हिट गाना था, सावन में लग गई आग। तो पहला गाना जो पिंकी पारस जी ने गाया था यूएसए से, वो सावन में लग गई आग, जो फीमेल वर्जन है वो पिंकी जी ने गाया था। जी पिंकी जी, कैसे मतलब ये पहला गाना आपने शुरुआत की थी सावन में, भाई सावन में लग गई आग, कोई खास वजह इसके पीछे? वो ऑलरेडी इतना हिट गाना है मीका सिंह का, तो वो मेरा कज़न भाई है, तो मैंने उसको पूछा कि ये मैं तुम्हारा गाना कर लूँ, क्योंकि सबको इतना पसंद आता है, मुझे भी आता है, तो उसको फिर मैंने चूज़ किया गाने के लिए। उसके बाद फिर अपने गाने के बारे में पूछा, जब पहला गाना किया सावन, तो मुझे उसका पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा और भी ट्राई करते हैं, अगर पब्लिक पसंद नहीं करती तो वहीं पर फिर ख़त्म हो जाता था करियर। सो इस तरह फिर वो आगे शुरुआत होती चली गई। उसके बाद धानिश मिले, कम से कम 4 गाने मेरे कर रहे हैं। हाँ, तो इनका गाना आया था, मैंने वो गाने की मैंने उनको मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था, फिर उसके बाद हमने गाने किए, गाना आया था मैं की गाना, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया था, बहुत रोमांटिक सॉन्ग, पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग था, और वो जब मुझे पसंद आया तो मैंने पिंकी जी को कॉन्टैक्ट किया। फिर पिंकी जी का एक शो था, उसमें पिंकी जी ने मुझे दावत दी, और वो भी नागपुर में शो था। और मैं पिंकी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इनकी यूएस में तो फैन फॉलोइंग है ही, मगर इंडिया में भी बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी, और मैंने वो अपनी आंखों से देखी है। मैंने जिस तरीके से पिंकी जी का स्वागत, मतलब मैंने बड़े बड़े सिंगर का नहीं देखा, जिस तरीके से पिंकी जी का स्वागत नागपुर में, शायद वो ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग इंडिया में पिंकी पारस को नहीं जानते, उनको ये नहीं पता कि इंडिया में भी, जो मतलब बाहर सोचते होंगे कि पिंकी पारस को हम जानते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया में भी पिंकी पारस के बहुत चाहने वाले लोग हैं। और पिंकी जी का बर्थडे और इनकी एंट्री पर इस तरीके से स्वागत किया जाता है, मैंने बहुत सारी जगह देखा, नागपुर में देखा, मुंबई में देखा, काफ़ी जगह, तो मतलब एक सच्चे दिल के आर्टिस्ट हैं, तो इनका वास्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे लोगों से पड़ा है, तो उसकी बड़ी खुशी होती है। और अभी हम कुछ अच्छा लग रहा है कि आपने इतना सब कुछ नोटिस किया। नहीं, ये नोटिस करने वाली बात है, अगर हम आँख पर पट्टी मान लें तो कुछ नोटिस नहीं कर सकते, मगर जो आँख में देख रहे हैं तो वो बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अभी हम 4-5 गाने हम लोग साथ में कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह 5 तारीख को हम लोग साथ में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा गाना है और डांस नंबर है, तो उसके बारे में हम उसकी हुक लाइन तो बता नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल सभी लोग ये गाना देखेंगे, पर चल हमारे गाने से पहले ही वो हुक लाइन आ गई मार्केट में। ये गाना हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो शूट होने वाला है, वो मैम ने सोलो गाया है, इस गाने के अंदर हम सर हयात मैम का साथ दे रहे हैं पिंकी पारस जी का, और एक एंट्री मेरी भी छोटी सी रहेगी अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो। कमाल हो जाएगा। वो जो आइडिया इन्होंने निकाला है नए गाने का, उसमें हम सर हयात तो है ही, इनकी खुद की भी एंट्री है, तो वो अलग है, बिल्कुल अलग। अच्छा, एक गाना था काला होती कुल, उसके बाद? हाँ, वो मैम का बहुत बड़ा। और अच्छा, इन्होंने मतलब इन्होंने गाना किया, उसके बाद वो गाने ज़्यादातर मैंने देखा कि मतलब कंपनी प्रमोट करती है, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से उसको करती हैं, और उसके बाद इस तरीके से छा जाता है, वो बहुत बड़ी बात है पिंकी जी। इसका राज हमें भी पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस तरीके से पब्लिक पे सोशल मीडिया पे कमांड करनी है, तो फिर सोशल मीडिया वो मैंने पब्लिक पहले बनाई। हाँ, ये वो पब्लिक पहले बनाई, फिर मैंने गाना निकाला, क्योंकि मुझे लगता था हमारी बरादरी में सारे लोग ही गाते हैं, तो फीमेल जो है या ऊपर उनको ऊपर तक आ नहीं पाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि फैन फॉलोइंग बनी नहीं होती है और गाना निकल जाता है, तो सुनेगा कौन, तो मैंने पहले फैंस बनाए फिर गाना निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, गाने की बात हुई तो दोनों हो ही जाए। अभी मेरे दबंग के गाने आए हैं, मेरे दबंग में 4 गाने थे, आप लोगों ने सुने होंगे, मैं तो सुपरमैन तो वो खैर तेवर का था, मुन्ना बदनाम हुआ यूं करके, नैना लड़े के लड़े रह गए, और हुन हुन दबंग, वो गाने मेरे थे, उनमें से मैं गाना गा के आपको सुना देता हूँ।
इनोसेंट से थे पहले कहती थी दुनिया, तूने बिगाड़ दिया वो मेरी मुनिया। मुझो का बांड बना के सेट बैट का जल लगा के लगा तेरे पीछे, सेट बैट का जल लगा के तेरे ना प्यार में ये तो गवाल मेरी जान हुआ रे। मुन्ना बदनाम हुआ तारा रा 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 रा। मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। गाना बहुत काफी मकबूल हुआ है और मतलब काफी हिट हुआ है। और सलमान भाई का वो स्टेप, जो सलमान भाई जो भी कर देते हैं वो हिट ही हो जाता है, मगर जो खास होता है वो इस जो बेल्ट वाला है वो बड़ा हिट है। सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय पूछो ना क्या हुआ आज दिल मेरा। सावन में लग गई आग दिल मेरा, आहिस्ता आहिस्ता पास वो आया, दिल का दरवाजा हौले से खटखटाया। मैंने जो कुंडा खोला हंस के वो पागल बोला, उसकी बाहों में हाय तन मनिए छूम के डोला। फिर ना मैं सोई सारी रात दिल मेरा। अरे ये नया फ्रेज था ना, ये वाला तो बहुत प्यारा गाना। उसको चेंज किया फिर, बिल्कुल चेंज किया क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक हिट गाने के अंदर, एक जो इतना जबरदस्त हिट गाना है उसके अंदर आपने कुछ चेंज किया और वो खूबसूरत भी लग रहा है, ये बड़ी बात है। थैंक यू। और वो मीका सिंह को बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसने खुद से अपने जितने हमारी बिरादरी के जो लड़के हैं उनको भेजा कि ये देखो फिर इस तरह करना चाहिए। हाँ नहीं, उसमें मेहनत दिख रही है। अभी पिंकी महाराज जी का वो गाना आया था काला बाती कुर, वो मतलब उसमें भी एक नई बात थी, काला बाती कुर। मतलब मैंने पहली बार सुना था काला बाती कुर, जबकि मैं खुद भी हरियाणवी शब्द है कि लड़की को पटा लिया क्या। अच्छा काला बाती कुर, वो काला जादू से निकाला हुआ मामला। वो बोलते हैं ना फंकी वर्ड्स और स्लैंग वर्ड्स, उस तरह का। नहीं कुछ ना कुछ नया होना जरूरी है जी, तब लोग पसंद भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चल काला बाती कुर की बात है तो दोनों हो जाए, इस गाने की बीट क्या है उसकी, दो लाइन बड़ी अजीब सी। एक बताऊं मैं आपको, आज की दुनिया में इनको सूट होगी आज की दौर की बात। मैं इनकी आवाज़, मतलब मैंने जो रिकॉर्ड किया इनकी आवाज़ में, एक अच्छी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी अपनी आवाज़ है। जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, उस पिक्चर का मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है, उसमें पिंकी जी को मैं, मेरे लिरिक्स हैं और पिंकी जी को मैं गवा रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ी मूवी है, उसमें दिलजीत दोसांझ जी हैं और वो हमारा काम उसका स्टार्ट है और वो कुछ लाइने मुझे पिंकी जी को उसमें गवानी है। जी पिंकी जी, आपकी बात करें तो कौन सी ऐसी फेवरेट एक्टर आपकी है जिसे आप चाहती हो कि इसके लिए मैं प्लेबैक करूँ, करना चाहती हूँ आपको? मुझे कंगना, कंगना जो है वो मुझे बेहद पसंद है और शायद लुक भी आपने भी है। बोला कि उस पे सूट होती मेरे। हाँ, और तो अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके लिए गाना चाहूँगी। कंगना की कोई फिल्म देखी आपने जो भी? सारी देखी है, सारी देखी। गाना कोई ऐसा जो उनका जो ऐसे सिंगर है बतू आप बनो तेरा लागे। अच्छा गाना था वो। अच्छा गाना बनो। चलिए अगर बात करें आज के सिंगर की, हम बात करें सिंगर जो है गेंस मेल फीमेल व्हाटएवर, आपकी पसंदीदा कौन है? फीमेल में मुझे नेहा कक्कड़ पसंद है, बेहद पसंद है। तो सुनिधि चौहान पसंद है, कलाकार तो बहुत सारे हैं, सारे अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो नेहा कक्कड़ फर्स्ट नंबर में। नेहा कक्कड़ मुझे बेहद पसंद है। और मैं, हाँ जी, और मेल में ऑफ कोर्स मिक्का सिंह। मेरा भाई तो मेरी जान है। हाँ बिल्कुल। आज के दौर में एक दौर चल रहा है रीमेक का, कोई ऐसा गाना हो जो आप चाहते हो कि इसका रीमेक बने और जिसमें आपके और सुरो जैसा भी हो सब में, तो गाना लग रहा है कि कोई गाना हो ही नहीं? बहुत सारे गाने हैं। सवाल कमाल कमाल के पूछ रहा है आप, मतलब जो हमारे पास हमने सोचा भी नहीं कि सवाल आएगा वो वाले सवाल दे रहा हूँ। आप कौन सा गाना होगा, कैसा गाना होगा? क्योंकि मैडम ने तो ऑलरेडी, मैं देखो मैम तो ऑलरेडी सावन में लग गया किया है, उनका तो फेवरेट होता है, उनका तो हो गया। मेरी सोच ये है
कि मैं जितना काम करूं, मतलब मैं अपने गाने का भी नहीं चाहता कि वो भी रिमेक बने कभी, क्योंकि आजकल रिमेक का इतना हो गया ना, रिमेक का इतना हो गया कि चलो सावन में लग गई आपने किया, वो एक मेल सुपर डुपर हिट गाना था, उसके बाद आपने किया तो उसको फीमेल किया, तो ये नई चीज़ हो गई और उसको नए तरीके से किया। मतलब एक महीने पहले, एक साल पहले आया हुआ गाना रिमेक हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। और वो चल भी नहीं रहे हैं, मोर कंपनी के पास उसके राइट्स हैं, उन्होंने उनको लगा कि हम दोबारा उसको हीरो पे पढ़ा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होता। बड़े मतलब मैं नाम ही लूँगा तो बड़े हीरो के पर अभी एक गाना रिमेक हो गया है जो एक साल पहले बहुत बड़ा हिट था, मैं नहीं चल पाया। वजह क्या कि मतलब पब्लिक को बिल्कुल ऐसा समझा हुआ है कि कुछ भी करके दे देंगे तो उनको लगेगा नया, ऐसा नहीं होता। तो एक मतलब हिट गाने को मेरे, अगर मुझे रीमेक करना हो, मुझे जैसे पिंकी पाराजी ने सावन में लग गया किया क्योंकि उनके ब्रदर का गाना था, मैं करूँगा तो मुझे करना, मैं चाहूँगा कि मैं करूँ तो करूँ तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो मेरे डैडी, वो मेरे डैडी का, वो मेरे डैडी का गाना था। मेकअप आजी के बहुत सारे गाने हिट है, उसके सारे गाने मौजा वो मिल जाए दोबारा से, फिर उसको भी कर सकते हैं उसके तो सारे, हाँ ऑलमोस्ट उसके सारे जो गाने हैं वो बहुत पसंद। बाकी मीका बाजी के जितने मीका बाजी ने अभी मेरा भी एक गाना गाया था, वो आने वाला है, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी उनका फोटो, अपना फोटो शेयर किया था, तो जो गाना गाते हैं उनको ऊपर एक अपना अलग, ऊपर वाले की देन होती है जिसकी आवाज़ को ऊपर वाला, मतलब आवाज़ सबकी होती है मगर जिसकी कानों में बेहतर पहुँच रही है वो ऊपर वाले का कमाल है, किसी का कोई कमाल नहीं है, ना किसी सिंगर का, वो ऊपर वाला चूज़ करता है कि इस आदमी को मुझे स्टार बनाना है। बिल्कुल, खुदा करे कि हम जो नए गाने करने वाले हैं वो हमारे इतने बड़े हिट हो जाएं, तो ये लोग उनका रिमिक्स करें। बिल्कुल, लोग उनका रिमिक्स करें। पता नहीं आज के दौर में सिंगर को कहाँ पाते हो आजकल, जैसे टीवी में कई सारे शो हैं, सारे आते हैं, कहीं ना कहीं फिर लोग तो जाते हैं। नहीं ये तो एक मतलब, ये भी मैं आप बताऊँ, ये भी हर एक बात ऊपर से जुड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि इस तरह के रियलिटी शो आ गए। रियलिटी शो तो एक बीच में एक जरिया आया था जो अपने टैलेंट दिखाने का लोगों के लिए एक जरिया आया, क्योंकि पहले क्या था, एक मुकैया थी, कैद जगह थी, आप इतने से इतने लोग हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, पहले किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खुलता था, मगर अब ये रियलिटी शो आए तो लोगों के दरवाजे खुले, नया नया टैलेंट सामने आया, और ऐसा नहीं वो लोग गायब हो गए, वो लोग जो आए थे वो अपने घर बार लेके बैठे, अपने घर को अच्छे से चला रहे हैं, अब वो उनकी ही मेहनत है कि वो उसको और ऊपर लेके जाएंगे या गायब ही रहेंगे, क्योंकि गायब होते होते उन्होंने इतना कमा लिया है कि वो सेट हो चुके थे। अब वो बिगड़ गए या सुधरे इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कहाँ पहुँचे, उनको कहाँ पहुँचना है, एक सर बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। Exactly. तो ठहरना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से फिर यूट्यूब के माध्यम से, रियलिटी शो तो छोड़ दो, यूट्यूब एक ऊपर वाले की ऐसी देन आई है जिसको यूट्यूब बोलते हैं, सोशल मीडिया ऐसी देन है कि जो लोग टैलेंटेड लोग हैं अगर वो कोने में बैठ के भी कहीं ऐसे मोबाइल लेके गा रहे हैं तो उनको लोग शेयर कर रहे हैं, उनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कई कई मिलियन लोग देख रहे हैं। आप देख लो रानू मॉडल, क्या नाम है उनका, रानू मॉडल है क्या है, हाँ तो रानू जी को देखो, एक वीडियो फुटपाथ पे से एक वीडियो आता है और वो इतने बड़े स्टार बन जाते हैं, उसके बाद वही रानू मॉडल किसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मना करती हैं तो वही सोशल मीडिया उनको धुतकार लगाती है। तो जो सोशल मीडिया जो लेके आता है वो गिरा भी सकता है, तो जनता जनार्दन है, जनता के साथ आपको प्यार करना पड़ेगा। और पिंकी पारा जी के बारे में जो बताया, ये वाकई इन्होंने जनता के दिलों पे राज किया हुआ है, इसीलिए इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि इनके इनके एक नाइट हर साल में नागपुर में मनाई जाती है कि पिंकी पारा जी अमेरिका से आ रहे हैं और ये अमेरिका से अपना सब काम धाम छोड़ के आती है, ये बहुत बड़ी बात है। पिंकी जी आखिर में आप क्या कहेंगे, क्या दर्शकों से क्या कहना चाहूंगी, लास्ट क्या मैसेज या क्या कहना चाहूंगी? बिल्कुल, मेरा मैसेज है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए भी ऑफ कोर्स, अपने ड्रीम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आपको पता नहीं कि आपको वो मौका कब ज़िंदगी दे देगी, आपका ड्रीम पूरा हो जाए। सो ये मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी कि अपना ड्रीम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर जो भी हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग कुछ हो, भी, कुछ भी ड्रीम ड्रीम है। कभी सोचते ना कि मेरी एज हो गई अब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या मेरे बच्चे हो गए, तो उन चीज़ों को छोड़ के अगर आपको कोई सपना है तो आप फोकस करें, आपको पता नहीं कि कब आपको ज़िंदगी वो मौका दे देगी। इन्होंने ये बात कही, मैं इसको इसी मेल तरीके में कह देता हूँ,
हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो मदद खुदा करने वाला है मगर हिम्मत आप में होनी चाहिए। कोई गाना हो जाए, चलो सुन ले हसीना पागल दीवानी, तुम्हारे सुर से गाता हूँ मैं। ओके चलो स्टार्ट करो। एंड लुक कैमरा में, साउंड में लग गया यार, जो तुम्हारा सर वाला। हाँ मैं का नहीं, तुम्हारा वाला, मेरे वाला। हाँ मैं उसमें एंट्री कर लूँगा। देखो सावन में लग गई। हाँ सूर्य के लिए।